हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें बेसिकली बी और एच का यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है। हमने यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल को एक सॉलेनोइड के अंदर रखा है। तो मैग्नेटिक मटेरियल को जब सॉलेनोइड के अंदर रखेंगे और सॉलेनोइड में से जब करंट फ्लो होगा तब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, राइट। इस तरीके से O2A में जैसे दिखाया गया है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। और तब जब वहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से वो जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें वहाँ पर उस पर कुछ मैग्नेटिज्म यहाँ पर वो स्टोर करेगा, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म रहने वाला है, राइट। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिज्म इंक्रीज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो रहा है और एच भी यहाँ पर इंक्रीज़ होगा, तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगा एच भी इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर हम लोग बी की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं, जैसे जैसे बी की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं, राइट, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा कर्व है वो बी पे आके रुक जाता है। तो वहाँ पर बेसिकली एच इज इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगी 0 एट दैट टाइम। तो एच इज इक्वल टू 0 मिला तब बी की वैल्यू 0 नहीं मिलेगी। बी कैसा मिलेगा हमें, तब नॉन ज़ीरो मिलेगा। तो एच की वैल्यू जब 0 मिलेगी और बी की वैल्यू नॉन ज़ीरो मिलेगी तब उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे रिटेंटिविटी, राइट। तो उसको हम लोग बोलेंगे रिटेंटिविटी, और उसका दूसरा नाम है रेमेनेंस, राइट। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि जब h इज इक्वल टू 0 मिले तब b की वैल्यू रिटेंटिविटी होगी, राइट। अब यहाँ पर जब कभी भी ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी तब जो डोमेन्स है वो कम्प्लीटली रेंडमनाइज नहीं होने वाले, कुछ ना कुछ अलाइनमेंट होगा, राइट। कहाँ पर उसका अलाइनमेंट होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड होगा उस डायरेक्शन में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, करंट को रिवर्स कर देंगे, करंट की जो भी डायरेक्शन होगी उसको रिवर्स करेंगे। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कैसे करेंगे, बैटरी के टर्मिनल इंटरचेंज करके। तो पहले जहाँ पर बैटरी पॉजिटिव था अब वहाँ पर नेगेटिव हो गई, और पहले जहाँ पर बैटरी नेगेटिव थी अब वहाँ पर वो पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर जो कर्व है बीसी कर्व हमें मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर बैटरी हमने इंटरचेंज कर दी है, राइट। तो बीसी कर्व मिल रहा है। अब बीसी कर्व में बेसिकली जब सी पर पहुँचेगा तो सी पर हमें बी की वैल्यू 0 मिलेगी, तो अब क्या मिलेगा, बी इज इक्वल टू 0, राइट। तो बी इज इक्वल टू 0 बट वहाँ पर एच इज नॉट इक्वल टू 0, एच 0 नहीं मिलने वाला। तो एच जब 0 ना मिले और बी 0 मिले तब उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे कोअर्सिविटी, राइट। उसको हम लोग बोलेंगे कोअर्सिविटी। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, एक रिटेंटिविटी होती है और दूसरी कोअर्सिविटी होती है। अब यहाँ पर बारी बारी किसे अगर देखे कि पहले ये बी पर था तब रिटेंटिविटी की वैल्यू कितनी थी, तो तब अगर रिटेंटिविटी की वैल्यू की बात करें, राइट, तो तब यहाँ पर मैं लिखूँगा बी आर, रिटेंटिविटी का मतलब है, राइट। तो बी आर इज इक्वल टू, तब उसकी वैल्यू थी 1.2, और वो टेस्ला में होगा ऑब्वियसली, राइट। और यहाँ पर कोअर्सिविटी के मामले में एच सी लिखेंगे, एच सी इज इक्वल टू, तब उसकी वैल्यू थी लगभग -90 एम्पियर मीटर इनवर्स, राइट। तो ये एच सी की वैल्यू थी कोअर्सिविटी, राइट। तो करंट जब हमने रिवर्स किया तब की बात है। अब क्या करेंगे हम लोग, करंट को और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो सेचुरेशन डी पे पहुँचेगा वो, राइट। जब सेचुरेशन डी पे पहुँचेगा तो तब यहाँ पर उसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का सेचुरेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड का सेचुरेशन उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, तो वो होगा सेचुरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एस, एंड इट इज़ नियरली इक्वल टू कितना होगा, तो वो होगा 1.5 टेस्ला में होगा, राइट। तो ये सेचुरेटेड मैग्नेटिक फील्ड होगा।
राइट। अब करंट को हम लोग रिड्यूस और रिवर्स करेंगे, तो करंट को कम करेंगे और रिवर्स भी कर देंगे। कि रिवर्स कैसे करेंगे, वापस वही टर्मिनल लाके, पहले सबसे पहले जो टर्मिनल्स थे जो पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ था राइट, और जो नेगेटिव के साथ जुड़ा था वो वापस कर देंगे और साइकिल रिपीट होगा। तो यहाँ से करंट बढ़ना चालू होगा, वापस वो सेचुरेशन ए तक पहुँचेगा राइट। तो यहाँ पर ऐसी लूप्स बनती ही जाएगी, हर करंट को हम लोग चेंज करते जाएंगे तो यहाँ पर हमें ऐसी रिपीटेशन मिलती जाएगी। और इसको, इस रिपीटेशन को हम लोग बोलेंगे हिस्टरेसिस, इसको हम लोग बोलेंगे हिस्टरेसिस। और ये जो हमें लूप मिली ग्राफ में, इसको हम लोग बोलेंगे हिस्टरेसिस लूप राइट। हिस्टरेसिस लूप इसलिए कि ये हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। हिस्ट्री के साथ मतलब कि उसको जिस तरीके से मैग्नेटाइज किया गया होगा, जो भी करंट की डायरेक्शन होती है वो चीज़ याद रखता है, तो उसको याद रहती है, इसीलिए हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको नाम दिए हैं हिस्टरेसिस। नेक्स्ट टॉपिक है परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो परमानेंट मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दोनों ही अलग तरीके से बनाए जाते हैं राइट। तो यहाँ पर जैसे कि टेक्स्ट बुक में हमें परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए एक डायग्राम दिया है, जिसमें एक आदमी है वो हैमरिंग कर रहा है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक आयरन रॉड है, फॉर एग्जांपल यू हैव वन आयरन रॉड राइट। उस आयरन रॉड को आपको नॉर्थ और साउथ प्लेस की पोजीशन पे रख के उसको रिपीटेडली हैमरिंग करना है राइट। तो बहुत बार इस हैमरिंग को हम लोग रिपीटेडली करेंगे तो वो एक टाइम के बाद एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। तो ये बहुत ही ओल्ड आर्ट है मैग्नेट बनाने के लिए, जिससे हमें परमानेंट मैग्नेट मिल जाएगा। तो हैमरिंग से यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट मिल सकता है राइट। दूसरी चीज़ कि आप दूसरे तरीके में एक आयरन रॉड को लेंगे राइट, स्टील रॉड को, और उसको स्ट्रोक करेंगे बार 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 मैग्नेट के एक एंड से। बार मैग्नेट का एक एंड लगातार आपको स्टील रॉड के एंड पे स्ट्रोक करते रहना है, हैमरिंग करते रहना है, तो जिससे भी परमानेंट मैग्नेट मिल सकता है राइट। तो ये सारे परमानेंट मैग्नेट बनाने के एफिशिएंट वे है। बट मान लीजिए कि आपको सोलेनोइड से बनाना है, तो सोलेनोइड से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मिलेंगे। तो जैसे ही आप सोलेनोइड के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखोगे और जब उसमें से करंट फ्लो होगा, तो करंट की वजह से वो जो मैग्नेटिक मटेरियल हो मैग्नेटाइज्ड होगा, और मैग्नेटाइज होने के कारण वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी हम लोग लो रिटेंटिविटी, हाई परमिएबिलिटी राइट, ये यूज़ कर सकते हैं। तो जिस भी मटेरियल का हाई परमिएबिलिटी होता है, इस फॉर एग्जांपल हाई परमिएबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी होती है, वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन सकता है। जैसे कि सॉफ्ट आयन, सॉफ्ट आयन इज़ अ बेस्ट एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, क्योंकि सॉफ्ट आयन जब सोलेनोइड में रखेंगे और करंट पास होगा तो हम लोग उसका मैग्नेटिज्म इंक्रीज कर सकते हैं राइट। तो यहाँ पर जो सॉफ्ट आयन है राइट, उसकी लो रिटेंटिविटी के कारण उसमें मैग्नेटिज्म रहता है राइट। तो यहाँ पर हम लोग मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस से लॉन्ग पीरियड तक रहने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई होगी राइट, उसका हम लोग एडी करंट का जो लॉस है वो कम कर सकते हैं राइट। तो यहाँ पर जब कभी भी एडी करंट की बात आती है तो हमें क्या करना है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर देना है, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो एडी करंट की जो इफ़ेक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ पर यूज़ होते हैं पहले ये लिखेंगे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इलेक्ट्रिक बेल्स, लाउड स्पीकर्स एंड टेलीफोन डायाफ्रेम्स में यूज़ होते हैं राइट। तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ के कुछ सिंबल्स, डायमेंशंस एंड यूनिट्स दिए गए हैं। तो पहला है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का जो सिंबल है वो है म्यू राइट। स्केलर क्वांटिटी है, उसका वेक्टर से कोई लेना देना है, मतलब डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है।
उसके डायमेंशंस है m1 l2 l1 t-2 a-2 राइट, और उसके यूनिट्स है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। फिर दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन कह लो, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह लो, उसका सिंबल है कैपिटल बी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये फील्ड के साथ रिलेटेड है, तो फील्ड के साथ रिलेटेड मतलब कि कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, तो इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो m1 t-2 a-1, और इसका जो यूनिट है वो होगा टेस्ला। उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब कि वेक्टर m, अगेन ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी डायमेंशन है l-2 a1 राइट, और यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स 5B से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, अगेन स्केलर क्वांटिटी है और डायमेंशन है m1 l2 t-2 a-1 एंड यूनिट्स आर वेबर राइट। फिर उसके बाद है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन है वेक्टर कैपिटल M, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, उसके डायमेंशंस है l-1 a1 राइट, एंड यूनिट्स है एम्पियर मीटर इनवर्स। देन नेक्स्ट मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड कह लो, या फिर स्ट्रेंथ कह लो। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जैसा ही है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल H से राइट। अगेन ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायमेंशन होंगे l-1 a1 एंड यूनिट होगा एम्पियर मीटर इनवर्स राइट। उसके बाद मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का सिंबल है काई, नेचर तो स्केलर होगा राइट, क्योंकि डायरेक्शन नहीं होगा इसमें, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। अब इसका कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस क्वांटिटी है राइट, यूनिट नहीं है तो उसके ऑटोमेटिकली डायमेंशंस भी नहीं होंगे। अब नेक्स्ट रिलेटिव मैग्नेटिक परमीएबिलिटी। तो रिलेटिव परमीएबिलिटी म्यू आर से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसी क्वांटिटी है स्केलर। अब ये यूनिटलेस है इसीलिए इसके कोई डायमेंशंस भी नहीं होंगे राइट। उसके बाद है मैग्नेटिक परमीएबिलिटी। मैग्नेटिक परमीएबिलिटी का सिंबल है म्यू, जो नेचर है उसका स्केलर है क्योंकि डायरेक्शन नहीं है। अब यहाँ पर डायमेंशंस है m1 l1 t-2 a-2 राइट, एंड यूनिट्स की बात करें तो वो हो गए टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स न्यूटन और न्यूटन एम्पियर टू इनवर्स राइट। दोनों यूनिट सिमिलरली होंगे राइट। तो ये थे फिजिकल क्वांटिटीज़।